दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल वीडियो के स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, थोड़ा सा वीडियो का स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार आने चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाए ताकि इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल रहे। इसमें जितना सारा मटेरियल यूज हुआ है सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर वीडियो को बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरी पड़ेगा जो कि कैन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि पूरा मोड वर्जन होगा, जो लेटेस्ट वर्जन है अभी यूज हम कर रहे हैं, यूज वाला वर्जन आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाकर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको सिंपली यहाँ क्रिएट नाउ जो बटन दिख रहा है प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेगा आपको यहाँ पर यहाँ न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आपको 60:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा, उसका देखिए यहाँ पर यहाँ पर चलेगा, आपको देखिए बहुत सारा यहाँ फाइल खुल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से बैकग्राउंड एक इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने में यहाँ से लेयर को बढ़ा देना, तो यहाँ से इसको हम 25 सेकंड तक कर देंगे, आप जितना देर इसको वीडियो बनाना चाहते हैं उतना इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसका क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाना है, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर से आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है और फिर से डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। उसका देखिए मेरे पास यहाँ पर एक नवरात्रि का दुर्गा माता का जो यहाँ पर PNG इमेज है चक्र वाला, इसको आपको ले लेना, ठीक है। तो सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको क्या करना है, इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लेना, थोड़ा छोटा कर, ज़्यादा छोटा नहीं करना है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लगा देना, ठीक है। इस तरह से लगा दीजिएगा, इसके अंदर एनिमेशन डाल देना है, पॉप एनिमेशन को सेलेक्ट करके इसको डाल देना है। इसको रेशियो का आपको 2 सेकंड कर दीजिएगा, ठीक है। 2 सेकंड करना है, यहाँ से आपको ओके कर देना है और फिर से आपको यहाँ यही पोजिशन पर रहिए, फर्स्ट में ही लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, फिर से डाउनलोडिंग फाइल में जाइए और यहाँ से नवरात्रि वाला जो टेक्स्ट PNG इमेज है इसको आपको ले लेना, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक यही एनिमेशन का हम यूज करेंगे, जाके आपको एनिमेशन के अंदर पॉप को सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी रेशियो को 1.5 कर देना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको इस जगह पर नवरात्रि जो टेक्स्ट PNG इमेज है इसको लगाना है इसी जगह पर, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा दीजिएगा, साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके इसको साइज को एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको लगा देना, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसको लगा देते हैं, तो आपको अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लगा देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर और खींच लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पर इसको लगा देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, साइज को छोटा बड़ा कर लीजिएगा और इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको एडजस्ट कर देते हैं, चलिए एडजस्ट हो चुका है। आप क्या करना है, आपको यहाँ से 2 सेकंड स्क्रॉप कर लेना है, फर्स्ट में आने बाद 2 सेकंड स्क्रॉप कर लेना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। इसको देखिए हार्दिक शुभकामनाएं वाला जो PNG इमेज है इसको आपको ले लेना, ठीक है। तो इसको लेने बाद क्या करना है, इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, देख लीजिए, और जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करिए ताकि आपको वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको इस जगह पर यहाँ पर लगा देना, ठीक है। लगाने में क्या करना, इसको लेयर को हम पूरा लास्ट तक कर देंगे, तो आपको भी लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है। और लेयर को लास्ट तक करने में क्या करना, आपको इसको जाना आपको एन एनिमेशन के अंदर, इसको अंदर जो आपको एनिमेशन को यूज करना है, आपको इसको पॉप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरा यूज करना चाहते हैं तो पॉप देखिए यहाँ पॉप डाउन का ऑप्शन, इसको भी कर सकते हैं या पॉप ऑफ को भी कर सकते हैं, पॉप ओपन को भी कर सकते हैं। तो इसको हम पॉप डाउन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने में तो क्या करना, आपको 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा। और डुप्लीकेट करना है तो क्या करना, आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ देखिए 3 लाइन का ऑप्शन दिखा देगा, आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देखिए ये जो 3 लाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिए, इसमें कोई भी लाइन को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली सबसे नीचे जाना है और यहाँ देखिए यहाँ पे एक हॉप देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ये जो लाइनिंग को इसको क्या करना है आपको दिखा देते हैं, इसको क्या करना है, इसको कम कर देना, ठीक है। जिस कलर को आपको चेंज करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें जो हम कलर यूज करेंगे देखिए ब्लू, और इसको मैं यानी कि 125 -125 कम कर देंगे या 20 भी कर सकते हैं, तो इसको -20 कर देते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो अच्छा लगे चांस कर सकते हैं, ठीक है। इसको माइनस हम 120 कर दिए, आपको भी अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर फिर से इसी इमेज पर क्लिक करिए, जो सेकंड वाला इमेज है इस पर क्लिक करिए, ओवर एनिमेशन जाना है और यहाँ से बिलिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है और देखिए आपको कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पर वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको चलाना आपको 4 सेकंड में, ठीक है। इसको हम 4 सेकंड में आ जाते हैं और उसका मैंने लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। देखिए मेरे पास दुर्गा जी का मेरे PNG इमेज इसको ले लेना, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना, बहुत सारा PNG इमेज मिलेगा दुर्गा जी का, आप किसी भी इमेज का आप यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको यूज के हिसाब से होगा वही आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो दुर्गा जी का जो टेक्स्ट PNG इमेज है
सॉरी दुर्गा जी का जो पीएनजी मछली इसको ले लेना, ठीक है। लेने में तो क्या करना है आपको, कुछ इस तरह से इसको लगा देना है, लगाना दे इसके अंदर आपको एनिमस के अंदर, और इसमें देखो सलाइड जो राइट लेफ्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करके इसको रेसिओ को आपको 2 सेकंड कर देना है, और 2 सेकंड करने में तो क्या करना है आपको, इसको 2 सेकंड थोड़ा सा स्क्रोप कर लीजिए, और थोड़ा सा स्क्रोप करने में तो क्या करना आपको देख लीजिए, इस तरह से स्क्रोप कर लेना है। इसको हम लिए थे 4 सेकंड पर, इसको हम चलाना 6 सेकंड पर चल जाना है, और 6 सेकंड में जाने में तो क्या करना आपको, लेयर क्लिक करना है, और यहाँ देखिए आपको स्टिकर का ऑप्शन दिखा देगा, स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ देखिए मेरे पास फायर इफेक्ट का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है, और फायर इफेक्ट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको इस जगह नहीं दिखता है तो आपको चलना देखिए इस यहाँ देखिए घर को जो आइकन दिख रहा है इस पर जाइएगा, आपको उसको डाउनलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर नेट अभी बंद है इसलिए हम नहीं बता पाएंगे, मैं अगर वीडियो देखते हैं रेगुलर तो आपको पता होगा किस तरह से इफेक्ट को डाउनलोड किया जाता है, हम बहुत सारा वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। और उसको क्या करना आपको देखिए इस तरह से इसको इफेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के इसको लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर देंगे, ठीक है। तो लेयर को हम पूरा लास्ट तक कर देते हैं, और लेयर को लास्ट तक करने में तो क्या करना है देखिए इसको इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आपको भी रोटेट कर देना है, इस तरह से आपको रोटेट कर लीजिएगा, रोटेट करना इसको साइज को तो हाथ छोटा कर लेना है, और इसको इस जगह पर हाथ के ऊपर इस तरह से लगा देना, ठीक है। देख लीजिएगा इस तरह से आपको लगा देना ताकि देखने में अच्छी तरह से वीडियो लगे, और यहाँ आप इस तरह से लगा देना, ठीक है। लगाने से क्या करना आपको, इसको जो इसको कोई भी एनिमेशन का यूज नहीं करना, सिंपल इस तरह से रहने देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। और उसके क्या करना आप देखिए इसी पोजिशन पर चलाना है, और फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, और देखिए मेरे पास यहाँ लड़की का इमेज है, इसको आपको लेना है, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लड़की वाला इमेज को, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो क्या करना है, आप इस जगह अपना इमेज को भी लगा सकते हैं जो कि PNG में होना चाहिए, और किसी भी इमेज को PNG में कैसे कन्वर्ट किया जाए आपको नहीं पता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और लड़की वाला इमेज के अंदर क्या करना, इफेक्ट लगा, इफेक्ट लगाना है आपको इन इमेज के अंदर, और सबसे नीचे आइए और यहाँ इंटर स्लाइड UOP का ऑप्शन दिखाई, इस पर क्लिक कर देना है, इसको रेशियो को 1.5 करके यहाँ सब ओके कर देना, ठीक है। ओके कर दीजिएगा, ओके करना क्या करना, फिर से आपको इसी पोजिशन पर आना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से डाउनलोड फाइल चल जाना, उसका देखिए सिंगल फ्लावर वाला जो PNG इमेज आपको इसको ले लेना, ठीक है। तो इसको ले लेना क्या करना आपको, साइज पूरा छोटा कर दीजिए, पूरा छोटा करना, इसको हम इस जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से इसको लगा दीजिएगा, आपको इस तरह से लगा देना है, लगाना क्या करना इसके अंदर एनिमेशन डाल देना जो कि जाना आपको ओवर एनिमेशन के अंदर, और फ्लोटिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके आप कुछ इस तरह से इसको लगा दीजिएगा, और यहाँ सब ओके कर देना है। ओके करने क्या करना, वीडियो पूरा फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, डाउनलोड फॉर्म चल जाइए, और देखिए मेरे पास नेचुरल वाला जो PNG इमेज है इसको आपको ले लेना, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, हम बहुत सारा वीडियो में इसको दे दिए हुए हैं। उसके क्या करना, थोड़ा सा नीचे आइएगा, रोटेट वाला जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना, क्लिक करके आप क्या करना है, इस इमेज को साइज को यहाँ से बड़ा कर लेना है, और कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना, देखिए देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से लग चुका है, आपको भी कुछ इस तरह से इसको लगा देना, ठीक है। लगाना तो क्या करना है, इसके अंदर फाइनली आपको ऑडियो का ऑप्शन, ऑडियो इसके अंदर लगाना होगा, ऑडियो लगाने के लिए वीडियो को पूरा फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, और आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है, और आपको क्या करना, स्टेटस वाला जो वीडियो है आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास देखिए स्टेटस वाला वीडियो, हम यहाँ से देखिए स्टेटस वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करें देखिए कुछ इस तरह से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ देखिए एक्सट्रेट एक ऑडियो का ऑप्शन दिखा देगा, आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस वजह से क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑडियो ऐड नहीं है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए नीचे ऑडियो ऐड हो चुका है। आप क्या करें, जो स्टेटस वीडियो है इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करने के आपको यहाँ से वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है। यहाँ वीडियो को प्ले करते हैं, आप देख सकते कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल हो जाए ताकि इस तरह वीडियो हम डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल रहे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद।